मंडलायुक्त जयंत मार्लिकर ने असरन चौक से महाराजगंज तक के निर्माणाधीन फोर लेन के कार्यों के निरीक्षण किया तथा सड़क निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। मंडलायुक्त जयंत मार्लिकर ने गुलहरिया से असरन तक सड़क निर्माण कार्य, नाली निर्माण एवं विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर हटाए जाने के कार्य की समीक्षा भी किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जल निगम टोरेंट गैस अपने कार्यों की टाइमलाइन बनाकर लोक निर्माण विभाग को तत्काल उपलब्ध कराए और एक सप्ताह में कार्य पूरा करे। मंडलायुक्त ने कहा कि जल निगम एवं टोरेंट गैस से टाइमलाइन मिलते ही लोक निर्माण विभाग अपना टाइमलाइन निर्धारित करते हुए उसके अनुसार सड़क निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा करे। उन्होंने निर्देश दिए कि ट्रैफिक पुलिस, अपर जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी सदर भ्रमण कर या निर्धारित करें कि डिवाइडर्स में कहां कहां पर आवागमन के लिए कट बनाए जाएंगे। मंडलायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ड्रेनेज व्यवस्था को अभी से जांच लें, जिससे सड़क निर्माण होने के उपरांत कहीं भी जल जमाव की स्थिति न आने पाए। मंडलायुक्त ने विभिन्न कार्यों में यथा ब्लैक टॉप, कंक्रीटाइजेशन, स्ट्रीट लाइट, ड्रेन, सर्विस लेन इत्यादि के निर्माण हेतु समय सीमा निर्धारित करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने हेतु निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सदर कुलदीप मीणा, संयुक्त विकास आयुक्त उग्रसेन पांडे, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, मुख्य अभियंता विद्युत देवेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित नगर निगम लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर गलियां हैं, सब कहेंगे मेरे सामने देखो आप ये करने लगेंगे तो फिर रास्ता चल आपका ट्रैफिक स्पीड 20 किलोमीटर बराबर कम हो जाएगी। ऑब्वियसली आपको एक देना पड़ेगा, एम्बुलेंस आएगी उस दौरान, लेकिन आप ये नहीं है कि हर 500 मीटर पर आप दे दीजिए। लोग अपना राउंड लगा के आए क्या है, दिल्ली में आपने देखा है यहाँ कितना बंद रहता, इधर से जाए आईएनए से जाए पृथ्वीराज रोड पर पूरा बंद रहता है, तो उससे क्या होता है ट्रैफिक की स्पीड बढ़ जाती है। ये काम आपको करना पड़ेगा, उसमें ट्रैफिक की व्यू लेना जरूरी है। आप रहे ट्रैफिक में और एक दूसरे के साथ रहे हो जाएगा, लेकिन इसको जरा दे सर ये करके दे देंगे आपको बड़ी में आप ये नहीं बहुत सुविधा है सर, हमने ना कराया आप वहाँ से जो शुरू कर रहे हैं इनको कराइए क्या ना, टाइम नहीं है हमारे पास, ये रहते हैं अंदर इनको पता है कि कितनी ज़्यादा है, इसलिए मैं निकल के ही सीधे मैंने आज किया। आप कल से तोड़ के शुरू कर दिए, कल से तोड़ के आप पीछे अपना शुरू करिए, आज से तोड़ते जाएंगे फिर सर कॉन्टेबल बनाने के लिए। मैंने बिल्कुल लगवा दे और कल ज़्यादा लोग ना 100 मीटर हो गए नहीं सर, ये 45 मीटर 45 मीटर का शुरू वाला कह रहे हैं, हम सीटी की जो नीति वाली लेयर करते हैं डीएलसी के लिए वो पूरी हो चुकी है, इस पर हम खड़े नहीं सर, हम लोग एक्चुअली फैमिली अपार्टमेंट का पानी आता था यही जगह हम लोग खड़े हैं, पूरी सोसाइटी है हमारे पास फ्लो है, तो अभी हमारी जो नाली बनी थी उसमें जल निगम को एक ब्लॉक से क्या फायदा है वो आज कम्प्लीट हो जाएगी, तो हम इसको पानी जब सब्लीम करेंगे सर वाला पोर्शन है ये सीसी के एक लेयर नीचे हाँ जी जी और व्हाइट वाले में आपको अभी और काम करना है, यही बात है। ये टोटल ब्लू पोर्शन प्लस व्हाइट पोर्शन कितना है, 400 मीटर ये 400 मीटर का पूरा करते हैं इसी महीना हो जाए, पेट्रोल पंप जो है वहाँ पर देख लेते हैं। आप आगे रख रहे गाड़ी आपकी नजर आई साहब मुझे बरसात में शिकायत नहीं चाहिए कि आप ये तो सर कहीं कहीं पर ताकि देख लीजिए ना रात में 3 बजे 2 बजे हालांकि एक्सपेरिमेंट कर लेना ये 45 मीटर का कितना लग रही सर, वो तो अरे वो एसडीएम साहब है जहाँ जहाँ जिस एजेंसी को प्रॉब्लम है आप रोक के मुझे वही बता रहे सर, यहाँ पे दो चीज़ें हैं ये जो पाइप को उन्होंने बीच में देख रहे कहाँ गए सर, ये नोट कर लीजिए टोरेंट गैस का काम यहाँ से खजानची तक जो है ये भी नोट कर रहे हैं, ये एक वीक में कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इसके बिना सर्विस लाइन का काम नहीं होगा। उसके बाद जल्दी का बताए सर आप क्या बना रहे हैं, वाटरफॉल अच्छा ठीक है उसका क्या कर रहे हैं सर, हमारी लाइन जहाँ जहाँ ट्रेन बन गई है वहाँ हमने डाल दिए, इसका कनेक्शन कर रहा है सर ने जो पाइप बताया तीन चार दिन आप यहाँ से देखिए खजानची तक कब तक आपका अपनी खजानची तक है कि पूरा तो असरन से मेट्रो कॉलेज कब तक कर देंगे, आप ऐसा करें देखिए पूरा नहीं कर पाते आप यहाँ से चलना शुरू कर खजानची तक कब तक दे देंगे, खजानची से यहाँ तक एच एस तक कब तक दे देंगे और एच एस सी के
मंदिर हमारा वहाँ से तक उसको टच करिए। ये दोनों हो जाने के बाद उसके ऊपर आप सर्विस दे देंगे ना? सर्विस में क्या दे रहे हैं? पेप शोल्डर, पेप शोल्डर के ऊपर बिट्टी पिनस देंगे। कितना चौड़ा है? 3.3 मीटर। 3.3 मीटर तो बेसिक मुगला तो यही है सब, सामने पेट्रोल पम्प। गहरा नाला, पानी तो उधर से आ ही जाएगा। अभी इसमें पानी है ना, पड़ेगी पानी तो कहाँ तक पड़ी है? आगे जो जल निगम का आने के बाद और इसका गैस जल का इधर अच्छा, इसको जैसे सफाई करनी होगी तो कैसे करेंगे? ये बड़ा हेवी स्लैब है, इसको क्रेन से उठाना पड़ेगा।